हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू ऑटो क्रू। आज मैं आपके लिए एक और डिटेल्ड ड्राइव रिव्यू लेके आ गया हूँ। और आज जो मेरे साथ गाड़ी है वो है मारुति सुजुकी की XL6। दोस्तों, 6 सीटर एक गाड़ी है और पिछले 4-5 दिनों से मैं इसे चला रहा हूँ। कौन सा वेरिएंट चला रहा हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं। एक तो टॉप एंड वेरिएंट का आपको इंटीरियर दिखाई दे रहा है, प्लस ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आज मैं ये गाड़ी चला रहा हूँ। तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि आखिर क्या रिस्पॉन्स है इस गाड़ी का और क्या कमियां हैं, क्या खास बातें हैं, क्या माइलेज देती है, क्या परफॉर्मेंस है, ब्रेकिंग कैसी है, फीचर्स क्या कमी छोड़ दी है मारुति ने, क्या इम्प्रूवमेंट और ज़्यादा करी जा सकती है, इन सब चीज़ों की बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लास्ट 4-5 दिनों के एक्सपीरियंस को, जो मैंने इस गाड़ी को 400-500 किलोमीटर एक्सपीरियंस किया है, आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने टिपिकल वे में और आपको बताते हैं सभी एस्पेक्ट्स जो आपको जानने चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे अर्गोनॉमिक्स की। तो दोस्तों, टिपिकल मारुति वाले अर्गोनॉमिक्स है, स्टिल आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ आप देखेंगे पावर विंडो और ORVMs के कंट्रोल्स। राइट साइड में आपको 360 डिग्री कैमरा, आइडल स्टार्ट स्टॉप, ट्रैक्शन कंट्रोल और हेडलैम्प लेवलर के बटन दिए गए हैं और साथ ही में स्टार्ट स्टॉप बटन भी यहाँ पर दे दिया गया है। स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल से हाईली फेमिलियर रूम है और आप लोग भी हो जाएंगे क्योंकि ऐसी कोई दिक्कत या परेशानी इसके अंदर नहीं है। पैडल शिफ्टर्स इसके अंदर आ जाते हैं और राइट साइड में आपको हेडलैम्प कंट्रोल्स, लेफ्ट साइड में वाइपर कंट्रोल्स मिलते हैं। और उसके अलावा अगर बात करें तो स्पीडोमीटर काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है, प्लस वो नीडल वाले सिस्टम से आप स्पीडोमीटर को भी अपने हिसाब से टॉगल कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं सेंटर की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पर टच बेस्ड कंट्रोल्स दिए गए हैं म्यूज़िक सिस्टम के सराउंड में, तो ये एक थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। नॉब वॉल्यूम वाला एडजस्टमेंट दिया जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। हज़ार्ड लैम्प का स्विच दिया गया, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और उसके नीचे 12 वोल्ट सॉकेट, पावर सॉकेट, वेंटिलेटेड सीट्स के बटन। यहाँ पे कूल्ड आपको कप होल्डर्स देखने को मिलते हैं और ये कुछ आपका गियर लीवर दिया गया, प्लस आप देखेंगे आर्मरेस्ट है, हैंड ब्रेक है। तो इकोनॉमिकली अगर मैं बात करूँ तो एज सच यहाँ पर आपको कोई खास कमी नहीं लगेगी और ओवरऑल सभी चीज़ें इन प्लेस रहती हैं। अब बात करते हैं विजिबिलिटी की। तो दोस्तों, बोनट आगे आपको कितना विजिबल हो पा रहा है ऑन कैमरा ये तो मैं नहीं बता पाऊँगा, बट एडजस्टमेंट की अगर बात करी जाए तो सीट्स और स्टेयरिंग दोनों के अंदर ही आप एडजस्टमेंट करके अपने हिसाब से डिज़ायर्ड ड्राइविंग पोजीशन ले सकते हैं और वहाँ पे आपको कोई खास दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। ए पिलर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो ए पिलर जनरली एक छोटा सा ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट करते हैं और वो टिपिकल चीज़ इसके साथ भी है, बट ओवरऑल अगर बात करूँ तो ORVM से आपको व्यू ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। और अब बात करते हैं IRVM की। तो दोस्तों, ये आप देखेंगे IRVM से भी पूरा व्यू मिलता है, बट अगर थर्ड रो में कोई पैसेंजर बैठा हो तो उसके हेडरेस्ट को ऑब्स्ट्रक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसा कि अभी आपको दिख पा रहा होगा। उसके अलावा बात करें तो दोस्तों, बोनट व्यू की अगर मैं बात करूँ क्लियरली तो बोनट 80% के आसपास विजिबल होता है मेरे को मेरी डिज़ायर्ड ड्राइविंग पोजिशन से। चाहूँ तो और ज़्यादा एडजस्टमेंट कर सकता हूँ, हालांकि मैं उतनी ज़्यादा सीट को हाइट पे रख के गाड़ी नहीं चलाता हूँ। अब दोस्तों, नेक्स्ट एस्पेक्ट की बात आ जाती है तो वो है ओवरऑल क्या कहते हैं ड्राइवर्स कंफर्ट। तो ड्राइवर्स कंफर्ट में अगर बात करूँ तो दोस्तों, एमिनिटीज़ में यहाँ पे हाथ रखने की जगह है मेरे पास राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी आर्मरेस्ट दिया गया है जो कि स्लाइडिंग फंक्शन के साथ है। सीट्स के अंदर अंडर थाई सपोर्ट थोड़ी सी कम लगी मेरे को, अदरवाइज़ एज सच कोई कमी नहीं है। सीट की बोलस्ट्रिंग, कुशनिंग वगैरह सभी चीज़ें इन प्लेस रहती हैं। और ओवरऑल अगर कंक्लूड करूं तो लॉन्ग जर्नीज़ के दौरान मेरे को एज सच कोई खास बड़ा इशू नहीं आने वाला है अगर मैं XL6 को ड्राइव करता हूं। उसके अलावा दोस्तों, अब पर्टिकुलरली अगर ड्राइविंग की बात करें तो एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है इंजन। तो इसके अंदर आता है 1.5 लीटर K-सीरीज़ का इंजन जो कि आपको 103 PS की पावर और 136 Nm का टॉर्क देता है। दोस्तों, काफ़ी रिफाइंड ये इंजन है, 4 सिलेंडर इंजन है और माइलेज की बात अभी आगे चल के करेंगे, हालांकि काफ़ी अच्छी माइलेज ये निकाल लेता है। और ओवरऑल इंजन की पावर स्पेक्स की अगर बात करें तो ऑन पेपर कितने हैं वो तो मैंने आपको बता दिया, रियल लाइफ में कैसा परफॉर्म करती है ये गाड़ी। तो दोस्तों, 6 पैसेंजर तो मुझे नहीं मिल पाए थे, बट 5 पैसेंजर के साथ मैंने ये गाड़ी चला के देख ली और 5 पैसेंजर के साथ लोड काफ़ी अच्छा खासा पड़ रहा था, उनमें से एक मैं भी था, तो मेरे को आप एज डबल पैसेंजर भी काउंट कर सकते हैं क्योंकि मेन तो वेट की बात होती है। एक जनरल एक नॉर्मल पैसेंजर का
कॉमन वेट होता है 70-80 kg, तो वहाँ पे एक डिफरेंस आ जाता है। तो ओवरऑल लोड पे कैसी चलती है गाड़ी उसके हिसाब से बताऊँ तो इंजन में ऐसी कोई खास परेशानी नहीं है। हालांकि अगर पंचीनेस के हिसाब से देखें तो ये देखिए, ये गेयरबॉक्स कुछ इस हिसाब से ट्यून किया गया है कि एकदम से डाउनशिफ्ट कर देता है अगर आपको पावर के हिसाब से गाड़ी ड्राइव करनी हो, तो वहाँ पे काम तो बन जाता है बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा NVH लेवल्स बढ़ जाते हैं। और जब पंची तरीके से हम गाड़ी चलाएंगे तो शायद NVH लेवल्स को हम उतना माइंड भी ना करें। खैर, पावर के हिसाब से अगर आपको बताऊँ तो ये गाड़ी आपको निराश तो नहीं करेगी। और ओवरऑल अगर कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से देखें तो प्राइमरी कॉम्पिटिटर तो इसका किया का कैरेंज ही रहता है, वो भी अगेन लगभग सिमिलर पावर फिगर्स के साथ आता है। 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की ही मैं बात कर रहा हूँ, उसमें थोड़े से पावर आपको ज़्यादा ही देखने को मिलती है बट उस गाड़ी का साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा है। तो ओवरऑल अगर कंक्लूड करूँ तो पावर के हिसाब से ये गाड़ी आपको एम्पल लगने वाली है जितना प्राइस आपने पे करा है और जो और ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनके हिसाब से। अब बात करते हैं दोस्तों, जब गाड़ी के अंदर पावर एम्पल हो या आपका काम कर देती हो तो अगला नेक्स्ट एस्पेक्ट आता है ब्रेकिंग। क्योंकि दोस्तों सेफ्टी हर गाड़ी में ज़रूरी है बट सेफ्टी से पहले कोई चीज़ अगर आपकी जान बचा सकती है तो वो होती है ब्रेक्स। अब ब्रेकिंग सिस्टम कैसा है इस गाड़ी का, तो दोस्तों जहाँ आप ब्रेक मार दें, ब्रेक बाइट एक तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, प्लस ओवरऑल जो सेटअप दिया गया है ब्रेकिंग का वो भी एम्पल आपको ब्रेकिंग परफॉर्मेंस दे देता है। एक रीअश्योरिंग फीलिंग कि अगर हम गाड़ी अपने 80 पे चला रहे हैं, 100 पे चला रहे हैं, इवन 120 पे चला रहे हैं तो वहाँ पे भी हमें कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों ऐसी रीअश्योरिंग फीलिंग ये गाड़ी हमें दे जाती है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाने की कोशिश करता हूँ। लेफ्ट लेन में डालते हैं पहले तो गाड़ी को, तो यहाँ आप देखेंगे तो दोस्तों गाड़ी इस टाइम है 90 पे और मैं कांस्टेंट ब्रेक मारने वाला हूँ। हजार्ड लैंप्स मैंने ऑन कर दिए हैं तो ये आप देख सकते हैं, अभी मैंने सडन ब्रेक नहीं करी है, स्लाइड ब्रेकिंग करी थी क्योंकि पीछे से एक बाइक भी आ रही है तो उन सबको भी रुकने का टाइम मिल जाना चाहिए। और अब आपको एक बार रिवर्स कैमरा की क्वालिटी और क्लैरिटी दिखा देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखिए ये कुछ क्वालिटी और क्लैरिटी आ रही है। टच स्क्रीन सिस्टम थोड़ा सा छोटा लगा मेरे को, अदरवाइज यहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं है और कैमरा की क्वालिटी क्लैरिटी भी ठीक ठाक है। तो दोस्तों कैमरा दिखा दिया आपको और ब्रेकिंग की बात चल रही थी, ब्रेकिंग के बारे में भी बता दिया। अब एक बार आप पिकअप देख सकते हैं कि पिकअप काफ़ी लीनियर पावर लेती है ये गाड़ी। और गेयरबॉक्स की ट्यूनिंग की बात पे आते हैं, क्योंकि बेसिकली पावर लेने का एक जो तरीका होता है वो ऐसे ही होता है कि आपका गेयरबॉक्स किस हिसाब से सेट किया गया है और वो कितना काम किस तरीके से करता है। तो दोस्तों ये एक नया गेयरबॉक्स है जो कि है बेसिकली 6-speed ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर। पहले इन गाड़ियों के अंदर आपको 4-speed ऑटोमेटिक मिलता था बट उसके अंदर माइलेज के कुछ इशूज थे और मारुति आप जैसा कि जानते हैं माइलेज के लिए बेसिकली काफ़ी ज़्यादा काम करता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे अब जो ये 6-speed टॉर्क कन्वर्टर लाया गया है उसने वो पुराना इशू तो ख़त्म कर दिया जो कि है माइलेज वाला, बट अब क्योंकि एक नया गेयरबॉक्स है तो उतनी अच्छी कंपैटिबिलिटी, उतनी अच्छी ट्यूनिंग फर्स्ट टाइम में तो नहीं बैठेगी बट ओवरऑल अगर फर्स्ट टाइम के हिसाब से भी आपको बताऊं तो दोस्तों आपको गियर शिफ्ट्स बिल्कुल फील नहीं होंगे। लैग की अगर बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों लैग हल्का फुल्का ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स में होता ही है, बट अगर जैसे इस टाइम मेरी गाड़ी चल रही है 80 पे एकदम से टैप करूँगा तो गियर डाउन शिफ्ट करके ये मेरे को पावर बैंड में रखती है ताकि मेरे को एक अच्छी पावर का एहसास हमेशा होता रहे। तो आप बेसिकली थोड़े टाइम में अडेप्ट हो जाएंगे इस गेयरबॉक्स से। और ओवरऑल मैनुअल मोड जो दिया गया उसकी भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो इस टाइम है थर्ड गियर में मैनुअल में, ये देखिए सेकेंड में मैंने डाल दिया। और एक अच्छी बात मैनुअल मोड की, आवाज़ तो आपको आ रही होगी बट खुद से गियर शिफ्ट नहीं होता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि ज़्यादातर मैनुअल मोड आपको उतनी कंफर्टेबिलिटी नहीं देते हैं और खुद ही थोड़ी देर बाद गियर चेंज कर देते हैं। तो उस हिसाब से आपको ये गेयरबॉक्स उतना ज़्यादा परेशान नहीं करता और अपना काम पूरी तरीके से कर जाता है। उसके अलावा बात करते हैं तो दोस्तों इंजन ट्रांसमिशन कॉम्बो की बात करें या पेयरिंग की बात करें तो यहाँ पे एज सच मेरे को कोई ऐसी चीज़ नहीं लगी है जो मैं हाईलाइट करके आपको बोलूँ कि नहीं ये कॉम्बो ठीक नहीं बैठा है या यहाँ पे कोई इशू है। हालांकि जिन लोगों ने पुराना 4-speed ऑटोमेटिक यूज़ किया है उन्हें इस नए 6-speed ऑटोमेटिक के साथ अडेप्ट होने में थोड़ा बहुत टाइम ज़रूर लग सकता है।
अब दोस्तों बात करते हैं ड्राइविंग में नेक्स्ट एस्पेक्ट की, जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा काम आता है बट लोग उस चीज़ पर कम ध्यान देते हैं, वो होता है आपका स्टेयरिंग। अब दोस्तों स्टेयरिंग एडजस्टमेंट ठीक है, ज़रूरी है, एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बट एडजस्टमेंट से अलग अगर मैं बात करूँ तो फ्लैट बॉटम होना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। स्टेयरिंग कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है, कितने काम आ रहा है, ये चीज़ देखी जानी चाहिए। और मारुति के स्टेयरिंग में अगर टिपिकली मैं बात करूँ तो दोस्तों सिटी में आपको कोई बहुत ज़्यादा हैवीनेस नहीं लगती है, वहीं अगर हाईवे पे आ जाते हैं तो जैसे ही आप 80 की स्पीड टच करेंगे, क्रॉस करेंगे, तो एक ठीक ठाक वेट ये गेन कर लेता है कॉन्फिडेंस के हिसाब से। बट लोअर सेगमेंट की अगर बात करें मारुति में ही, तो दोस्तों यू टर्न लेते टाइम सेंटर रिटर्न नहीं होते हैं स्टेयरिंग। इस गाड़ी के अंदर ऐसा कोई इशू नहीं है, लकीली ये काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि गाड़ी की लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, टर्निंग रेडियस भी उतना अच्छा नहीं है जितना एक टिपिकल छोटी गाड़ी का होगा, तो उस हिसाब से अगर स्टेयरिंग भी सेंटर रिटर्न ना होता तो आदत लगने में थोड़ा सा टाइम लग जाता, अदरवाइज़ कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं बनती। तो ओवरऑल अगर स्टेयरिंग को रेटिंग देना चाहूँ तो ठीक ठाक काम ये कर लेता है और एज सच आपको डेली लाइफ में ये कोई परेशानी नहीं देगा। प्लस ये मारुति के उन स्टेयरिंग्स में से है जो बेसिकली आप नॉर्मल गाड़ियों में चलाते हैं और आप काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर हैं स्टेयरिंग से। सेंटर रिटर्न वाला इशू बेसिकली अभी तक मेरे को सिर्फ सिलेरियो में देखने को मिला है, वो भी होपफुली मैं चाहता हूँ कि मारुति इम्प्रूव कर दे। बाकी दोस्तों स्टेयरिंग के बाद अब नेक्स्ट एस्पेक्ट पे चलते हैं, जो कि है सस्पेंशन। बेसिकली कम्फर्ट की अगर बात करूँ तो एक तो 16 इंच के इसके अंदर टायर्स आते हैं, अलॉय व्हील्स हैं बेसिकली, और उसके साथ साथ सस्पेंशन सेटअप जो है काफ़ी बैलेंस रखा गया है, काफ़ी अच्छी सपोर्ट करता है। और एक चीज़ यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा, अगर आप सिंगल या डबल पैसेंजर ज़्यादातर गाड़ी ड्राइव करते हैं तो 6 या 7 सीटर गाड़ी स्पेसिफिकली XL6 या अर्टिगा थोड़ी सी बाउंसी रिएक्ट करती हैं अगर कम लोड के साथ ये गाड़ियाँ चल रही होती हैं, तो ये चीज़ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बन सकता है कि अगर आप उतने ज़्यादा रेगुलरली 4 पैसेंजर 5 पैसेंजर या 6 पैसेंजर कैरी नहीं करते हैं अपनी गाड़ी में, तो बेहतर रहेगा एक टेस्ट ड्राइव लेके देखें अलोन और लंबे समय के लिए, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस बाउंसीनेस की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। बाकी दोस्तों ओवरऑल कंफर्ट की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट रो में एज सच कोई खास परेशानी नहीं है, हल्का सा अंडर थाई सपोर्ट मेरे को कम लग रहा है, बट उसकी ये भी पॉसिबिलिटी है कि पीछे जगह बनाने के लिए आगे सीट्स की लेंथ को थोड़ा कम रखा गया हो। सेकेंड रो की अगर बात करें तो अगेन कैप्टन सीट्स का ऑप्शन आपको इस प्राइस में, इस साइज़ में रेयरली ही देखने को मिलता है। तो डायरेक्ट ट्राइवल्स की अगर बात करें तो ऐसा कोई कॉम्पिटिटर भी मार्केट में इसका अवेलेबल नहीं है। और नेक्स्ट एस्पेक्ट की अगर बात करें तो दोस्तों थर्ड रो, अब थर्ड रो ज़्यादातर गाड़ियों में बच्चों के लिए ही मानी जाती हैं या फिर एडिशनल बूट या ज़्यादा सामान कैरी करने के लिए, तो उस हिसाब से तो सही है, बट एमरजेंसी में अगर किसी को जाना पड़ जाता है तो जा सकता है, बट रेगुलर डेली लाइफ के लिए अगर मैं बोलूं कि 6 या 7 सीट ऑप्शन कैसा रहेगा, तो दोस्तों 6 सीटर एक बेहतर ऑप्शन आता है, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी में 5 लोग भी हैं तो एटलीस्ट एक रो को फोल्ड करके आप बूट में सामान रख सकते हैं। एक चीज़ जो मेरे को अच्छी लगी इनोवा के बाद इस 6 या 7 सीटर गाड़ी में, वो ये है कि पूरी 3 की 3 रो अप होने के बाद भी बूट के अंदर कुछ इतना स्पेस बन जाता है कि एटलीस्ट 2 बैग आप अच्छे से रख सकें, तो ये एक ध्यान देने वाली बात है और काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है अगर MPV इसके सेगमेंट की बात करूं। उसके अलावा दोस्तों अब आते हैं अपने नेक्स्ट एस्पेक्ट की तरफ, जो कि है ग्राउंड क्लियरेंस, क्योंकि जब लोड पड़ेगा गाड़ी पर 6 लोग बैठेंगे तो बेसिकली लेडन और अनलेडन ग्राउंड क्लियरेंस में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। तो इसके अंदर है ग्राउंड क्लियरेंस 180mm की, और इतने ग्राउंड क्लियरेंस में मैंने जो 4-5 पैसेंजर के साथ भी गाड़ी चलाई है काफ़ी कंट्रोल्ड रहती है और कोई बहुत ज़्यादा स्क्रेप होने के चांसेस इसके मेरे को नहीं लगे। अब तो ये गाड़ी आपको CNG में भी अवेलेबल है, कभी CNG चलाऊंगा तो उसमें एक चीज़ मैं नोट ज़रूर करना चाहूँगा कि एक तो एडेड CNG का वेट प्लस 6 सीटर ऑप्शन, तो अगर 6 पैसेंजर CNG गाड़ी में बैठ के चलते हैं तो शायद स्क्रेप होने के चांसेस बढ़ जाएं। उसके अलावा बात करते हैं तो दोस्तों नेक्स्ट एस्पेक्ट है हमारा हाई स्पीड स्टेबिलिटी। अब हाई स्पीड स्टेबिलिटी में एक बहुत बड़ा काम आता है बॉडी रोल का, ग्राउंड क्लियरेंस का, गाड़ी के डिज़ाइन लैंग्वेज का। तो दोस्तों आप देखेंगे पूरी तरह से एक कर्वी रोड है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि स्पीड थोड़ी सी हायर साइड पे ले जाऊँ ताकि आपको प्रैक्टिकली भी दिखा सकूँ। तो दोस्तों इस टाइम गाड़ी है अराउंड 60 की स्पीड पे और आपने देखा मैंने एकदम से टर्न कर दी है, कैमरा में भी शायद आपको उतना पता चल रहा हो ना चल रहा हो,
हल्का फुल्का बॉडी रोल ज़रूर है गाड़ी में, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत कंट्रोल्ड मैनर में है, क्योंकि थोड़ी सी ओवर साइज ये गाड़ी लगती है ओवरऑल अगर डिज़ाइन के हिसाब से देखें, और रेयर जो ओवर हैंग जिसे बोला जाता है वो पार्ट भी इसके अंदर दिया गया है। तो ओवरऑल बॉडी रोल दोस्तों एक टाइम के बाद तो आपको आदत हो ही जाएगी, बट अभी के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो बॉडी रोल के लिए आपको थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा अगर आप एक्सेल 6 की तरफ देख रहे हैं। उसके अलावा दोस्तों बॉडी रोल के अलावा हाई स्पीड स्टेबिलिटी, अब दोस्तों स्टेबिलिटी ज़रूरी नहीं है कि आपको टर्न्स पे चाहिए हो, टर्न्स पे चाहिए होती है हैंडलिंग। तो दोस्तों अगर मैं 60 की स्पीड पे भी इतनी लंबी इतने बड़े साइज़ की ऊंची गाड़ी को जिसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छी है अगर टर्न कर रहा हूँ तो दोस्तों आप देखेंगे मेरा कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं हो रहा है, हल्का फुल्का बॉडी रोल ही फील हो रहा है, तो हैंडलिंग अच्छी मैं बोलूँगा इस गाड़ी की। प्लस हाई स्पीड स्टेबिलिटी की जहाँ तक बात आती है तो जैसा कि मैंने आपको बताया अगर सिंगल या डबल पैसेंजर गाड़ी में चलेंगे तो हाई स्पीड स्टेबिलिटी आपको उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी, सस्पेंशन थोड़े बाउंसी नेचर में रिस्पॉन्ड करेंगे। बट वहीं अगर अदर वे राउंड बात करी जाए कि 5 या 6 पैसेंजर हों गाड़ी में, उनका लगेज भी हो, जैसे लॉन्ग ट्रिप्स पे जाते हैं, तो उस हिसाब से आपको ये गाड़ी पसंद आने वाली है, स्टेबल भी रहेगी और कंफर्टेबल भी रहेगी। तो ये एक एस्पेक्ट था नोट करने वाला। अब दोस्तों एक बहुत सरप्राइजिंग एस्पेक्ट और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, माइलेज। बेसिकली दोस्तों इस बैच के साथ हमारा एक प्राइमरी एस्पेक्ट ये होता है कि गाड़ी चाहे सेफ्टी कम दे बट हमें माइलेज अच्छी देगी, ये चीज़ ये गाड़ी भी मेंटेन करती है। लगभग 20.27 के आसपास का माइलेज क्लेम है इसका ARAI का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में, और दोस्तों इससे कहीं ज़्यादा माइलेज मैंने रियल लाइफ में निकाल लिया, बट ARAI ने शायद 6 के 6 पैसेंजर बिठा के टेस्ट किया हो या कौन सी रोड कंडीशन रही है ARAI की, काफ़ी बड़ा डिफरेंस निकल के आया मेरे माइलेज टेस्ट में और ARAI के क्लेम में। अब दोस्तों इतनी बड़ी गाड़ी में मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं ARAI को बीट कर पाऊंगा, बट ओवरऑल अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड लगी मेरे को इसकी माइलेज। हालांकि जो माइलेज टेस्ट आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे, उसमें मैं सिंगल था गाड़ी में या शायद 2 लोग थे, एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है। तो जैसे जैसे आप पैसेंजर्स ऐड ऑन करते जाएंगे गाड़ी की माइलेज कम होती जाएगी, इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। और जो माइलेज टेस्ट मैं करता हूँ अपने चैनल पर वो ज़्यादातर होते हैं हाईवे रन्स के, और कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह में मैं ना फंसूँ ताकि टाइम लिए आपको 100 किलोमीटर गाड़ी चला के एक एस्टिमेट दे दूँ माइलेज का कि भाई कितनी माइलेज आ रही है। तो उस हिसाब से अगर सिटी में आप गाड़ी चलाते हैं तो भी एक डिफरेंस आपको फील होने वाला है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अपने लास्ट एस्पेक्ट की, जो कि है बेसिकली NVH लेवल्स। कोई भी गाड़ी हम खरीदते हैं और जितना प्राइस हम ज़्यादा पे करते हैं, जितना प्रीमियमनेस की तरफ जाते हैं, तो हमें चाहिए होते हैं एक अच्छे लेवल के NVH लेवल्स। और इस गाड़ी के अंदर अगर बात करूं तो दोस्तों इस टाइम अगर आप देख पा रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको क्लैरिटी मिल ही रही है। 80-90 की स्पीड पे है गाड़ी और लगभग 1800-1900 RPM पे। तो अगर आप एक माइल्ड ड्राइवर हैं तो आपको NVH लेवल्स एनीवे परेशान नहीं करने वाले हैं, बट वेंटिलेटेड सीट्स जो हैं वो थोड़ी सी नॉइज़ करती हैं। AC का ब्लोअर आप जितनी ज़्यादा स्पीड पर रखेंगे वो थोड़ी सी नॉइज़ करेगा। अब आ जाते हैं थोड़े पंचियर ड्राइवर्स के लिए। तो दोस्तों एक तो मैनुअल मोड मैंने आपको बताया काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और आपको फुल मैनुअल कंट्रोल देता है, तो वो एक काफ़ी अच्छी बात है। अब पैडल शिफ्टर्स का यूज़ करके मैं मैनुअल कंट्रोल ले रहा हूँ गाड़ी पे, और अब आपको थोड़ा सा इंजन का ग्राउल वगैरह सुनाई दे रहा होगा। एक बार मैनुअली डाल देते हैं गाड़ी को और मैनुअल चलाता हूँ 3rd गियर पे। M3 पे इस टाइम गाड़ी है, और उसके अलावा अगर आपको दिखाऊं तो 80 की स्पीड है। पावर और टॉर्क मीटर आपके सामने 4000 RPM, 5000 RPM, 5500 RPM, और ये मैंने डाल दिया 4th गियर। अब आप देखेंगे तो 120 की स्पीड और 4000 RPM इस पर मेंटेन करके आप एक बार नोट कर लीजिए कितनी नॉइज आती है। और अब मैंने गाड़ी डाल दिया वापस से डी पे, क्योंकि दोस्तों इस तरीके से आपको नॉर्मल ट्रैफिक वाली रोड्स पे गाड़ी चलानी नहीं चाहिए, और मैं भी सिर्फ आपको दिखाने के लिए समझाने के लिए चला रहा हूँ। तो अगर टिपिकली बात करें तो दोस्तों 3000 RPM तक आपको इंजन नॉइज़ परेशान नहीं करती है, बट जैसे ही आप उसे क्रॉस कर देते हैं तो यहाँ पे आपको एक परेशानी लगने लग जाएगी। बाकी जो लोग पंची तरीके से गाड़ी को चलाते हैं उन्हें कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं लगेगी। और ओवरऑल नॉइज़ की अगर बात करें तो हाई स्पीड में विंड नॉइज़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा नहीं है इस गाड़ी के अंदर, और
वाइब्रेशन भी ठीक ठाक, रिफाइंड ये इंजन है 1.5 लीटर फोर सिलेंडर जो शेयर किया जाता है ज़्यादातर गाड़ियों से, जैसे कि ब्रेज़ा हो गई, सियाज हो गई आपकी, और ग्रैंड विटारा तक में आपको ये इंजन देखने को मिलता है। तो वाइब्रेशन के इश्यूज़ यहाँ पे नहीं है और हार्शनेस तो आपको पेट्रोल इंजन में मिलती ही नहीं है। बाकी दोस्तों अगर आपका कोई डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन खुला है। ओवरऑल जितने पॉइंट्स मैंने नोट करे, जो चीज़ मैंने आपको इंपॉर्टेंट समझी बतानी, वो मैंने इस वीडियो में बता दिया है। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।